नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो ये लेसन नंबर 27 है हमारी हिंदी ग्रंथ एकेडमी सीरीज का। तो देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं इस पूरे सीरीज में। तो ये चैप्टर में हम वन संपदा यानी मध्य प्रदेश में संसाधन में वन संपदा फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में जान रहे हैं। तो ये आज ये लेसन नंबर ये 27 है और इसमें 31 से 45 क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का और ओवरऑल हमारे 360 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं लिंक्स पे जो डिस्क्रिप्शन में दी गई फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस पूरे चैनल में पढ़े तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आरंभ स्टडी चैनल को। तो निर्देश जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब बहुत ही मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश राज्य की पशु जो है बारहसिंगा ब्रिडरी हिरण प्रजाति का है, अब ये बता दीजिए किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है रेनडियर विच इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क ऑफ ब्रिडरी डियर स्पीसीज। तो जो मध्य प्रदेश राज्य की पशु है वो किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला, ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, ऑप्शन सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना। तो आप ऑप्शन भी पढ़ लीजिए क्योंकि इसके साथ आपके फैक्ट भी कवर होते जाएंगे कौन सा स्टेशन कौन सा पार्क कहाँ पे है। तो इसके साथ आपको ये भी बताना आज का ये आपके लिए होमवर्क है, कान्हा नेशनल पार्क जो भी है उसका शुभंकर क्या है, यानी व्हाट इज द मस्केट ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे आप पिछले वीडियोज में आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, बस आपको कमेंट बॉक्स में करना है इसका वीडियो का आंसर, आगे वाले वीडियोज में देखेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए कान्हा किसली नेशनल पार्क में, तो ये है अपना नेशनल एनिमल मतलब स्टेट एनिमल बारहसिंगा और ये पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के, राज्य का राजकीय पशु पक्षी जो है दूधराज जिसका वैज्ञानिक नाम, तो उसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम बताना है। द स्टेट बर्ड ऑफ स्टेट इज दूधराज हूज साइंटिफिक नेम इज। तो ये देखिए हम एक दूसरे फैक्ट भी कवर करते जा रहे हैं स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड के बारे में, ये सारा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसका नाम क्या है ये बता दीजिए, तो पावोकिस्टिस लियानेस, ऑप्शन बी पैराडाइज फ्लाईकैचर, ऑप्शन नंबर सी गुंडावन, या फिर ऑप्शन नंबर डी शाह बुलबुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैराडाइज फ्लाईकैचर। तो ये दूध जैसा सफेद दिख रहा है और ये है दूधराज अपना एमपी का स्टेट पक्षी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको मैच बताना है। तो कंजर्वेशन ऑफ सोन चिड़ैया घाटी गांव करेरा में है, खरमोर का संरक्षण सरदारपुर सैलाना में होता है, या फिर कृष्ण मृगों का संरक्षण बगदरा सीधी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी साइबेरियन सरस का चंबल घरियाल में संरक्षण। तो कहाँ पे क्या होता है, तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी साइबेरियन सरस का चंबल घड़ियाल में संरक्षण। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि घड़ियाल का संरक्षण होता है, ये सरस का नहीं होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और कुल बाघों का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फैक्ट चेंज हो चुका है और हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 40%। तो कुल बाघ कितने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रंथ अकेडमी 22%। तो ये सही है क्योंकि ये पिछले डाटा के अनुसार से बात कर रहे हैं, बट हम देख लेते हैं जो भी 2018 में रिपोर्ट आई उसके हिसाब से क्या कुछ है। तो इंडिया में टोटल 2,967 टाइगर थे, मध्य प्रदेश में 526, जो कि परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो 17.72% टाइगर। तो ये मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट अपडेटेड डाटा है, 22% की बजाय 17.72%। तो नंबर बढ़े हैं, परसेंटेज में अपना एमपी का घटा है क्योंकि अदर स्टेट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसके साथ साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बता दीजिए कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए दुर्गावती, ऑप्शन बी गंगाऊ, ऑप्शन सी राला मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी सैलाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राला मंडल। तो ये इंदौर में है और इंदौर वाले आमतौर पर जानते भी होंगे, उनमें कई बार घूमा भी होगा, इस सेंचुरी काफी पास में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और किस अभयारण्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाटिक बब्बर शेर लाए जाने का प्रस्ताव है, यानी इन विच सेंचुरी देयर इज अ प्रपोजल टू ब्रिंग द एशियाटिक बब्बर लॉयन फ्रॉम गिर नेशनल पार्क। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी पढ़ते उसको आंसर पता होता है कि हम गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाटिक बब्बर शेर लेके आ रहे हैं किसी नेशनल पार्क या फिर अभयारण्य में, क्या है कैसे हम देखेंगे आंसर में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी कूनोपालपुर, ऑप्शन सी बगदर, या फिर ऑप्शन करेरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कूनोपालपुर। तो ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जो कि अब बन चुका है नेशनल पार्क। तो ये सेंचुरी अब हट चुका है,
ये है नेशनल पार्क उन्हों पालपुर, तो यहीं पे एशियाटिक क्षेत्र लाने की बात हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य जीव कौन सा है? तो मोस्ट वाइल्ड लाइफ फाउंड इन फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए चीतल, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी गौर वन भैंसा, या फिर ऑप्शन बड़ी हाथी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीतल। तो ये देख पाएंगे सबसे सस्ता जानवर है, हर चिड़ियाघर में आपको मिल जाएगा ये चीतल, तो चीतल पाया जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की नई वन नीति जो 2005 में थी कब से लागू हुई है? तो ईयर 2005 ही होगा क्योंकि 2005 क्वेश्चन ने पूछ लिया है। व्हेन हैज द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश कम इनटू फोर्स? तो ऑप्शन ए 1 जनवरी, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल, या फिर 31 मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 अप्रैल। तो ये वन नीति इसलिए होती है क्योंकि हम अपने जितने भी फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, रिजर्व एरिया, संरक्षित आरक्षित जितना भी है, उनको कैसे हमें क्या मैनेज करना है, नेशनल पार्क को कैसे मैनेज करना है, अपने अभ्यारण्यों को कैसे मैनेज करना है, सारा कुछ वन नीति में डिसाइड होता है। तो ये 4 अप्रैल 2005 को सबसे लेटेस्ट पॉलिसी आई थी अपने एमपी की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो हमने सबसे पहले पशु बात किया था, फिर पक्षी बात किया था, अब वृक्ष की बात कर लेते हैं, कौन सा है? ऑप्शन ए बरगद का पेड़, बी बनियान ट्री, ऑप्शन बी पीपल का पेड़, ऑप्शन सी सागौन वृक्ष, फिर ऑप्शन बड़ी साल का वृक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बरगद का पेड़। तो ये हम मध्य प्रदेश का लोगो देख पाएंगे और आपको देखना है कि ये पीछे रहा अपना ट्री, तो बनियान ट्री जो कि बरगद का पेड़ है हमारे एमपी के शासन के लोगो में भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में पंचवन योजना कब से लागू की गई? सिंस व्हेन द पंचवन स्कीम हैज इंप्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश। तो एक पंचवन योजना नाम से आई थी अपने एमपी गवर्नमेंट की, तो कब से लागू की गई है? ऑप्शन ए 1976, 1980, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1982, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1985। तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है पंचवन योजना इज इक्वल टू 1976। तो इसका सही आंसर 1976 में ये योजना लागू की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में पहला बायोस्फीयर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड भी है इसी बुक्स में, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट भी हो रहा है, तो देखिए आया भी हुआ है। वेयर इज द फर्स्ट बायोस्फीयर एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए चंबल घड़ियाल अभ्यारण, ऑप्शन नंबर बी सरदारपुर अभ्यारण, ऑप्शन नंबर सी सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी पचमढ़ी में। तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी में। तो अपना एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे है। ये आप सारा कुछ देख पाएंगे कि बोरी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी बगल में सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी सेंचुरी, और ये आसपास छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये काफी एक ही एरिया में कई सारी चीजें हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक प्रकार की फौना फ्लोरा की प्रजाति पाई जाती है? तो इन विच सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ फौना एंड फ्लोरा आर मोस्टली फाउंडेड? ऑप्शन ए केन घड़ियाल अभ्यारण, ऑप्शन नंबर बी ओरछा सेंचुरी, ऑप्शन सी सैलाना फ्लोरिकन सेंचुरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीस। तो इसका सही आंसर है सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण। तो यहाँ पे पाई जाती है सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना की स्पेसीज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2005 में नामित अचानक मार एवं अमरकंटक जैव रिजर्व मंडल कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है कि जो अचानक मार और अमरकंटक बायोलॉजिकल रिजर्व या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है अपना, वो किस जिले में है? ऑप्शन ए अनूपपुर में, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी सीधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रीवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनूपपुर जिले में। तो यहीं से निकलती है अपनी नर्मदा नदी, अमरकंटक आप वहां से लिंक कर सकते हैं। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और अमरकंटक में ही अपना अचानक मार्ग जो भी है बायोस्फीयर रिजर्व है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान शाला कहाँ पर है? तो वेयर इज द मैंगो रिसर्च स्कूल इन मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी गोविंदगढ़, फिर ऑप्शन नंबर डी विदिशा। तो इसका सही आंसर है गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ में मैंगो रिसर्च सेंटर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट और इजी भी है। तो आंवला जिला घोषित किया गया, तो गूसबेरी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए नरसिंहपुर, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी सीधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुरैना। तो इसका सही आंसर पन्ना। तो पन्ना है अपना आंवला डिस्ट्रिक्ट। तो आपको आंवला जब खाएंगे तो आपको पन्ना याद आना चाहिए कि पन्ना में हम आंवला जिला को घोषित किया गया है, या फिर आप पन्ना जाएं तो आपको आंवला याद आना चाहिए। तो इस तरह लिंक करके रखेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तो इसी तरह कंप्लीट होते हैं हमारे आज के 25 क्वेश्चन। हम देख लेते हैं लेजेंड नंबर 25 में हमने क्वेश्चन पूछा था कि बानमोर कहाँ है, और हमने नेशनल पार्क के बारे में पूछा था कान्हा नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर दिया है पीपी और साक्षी तनु ने, काफी अच्छा आंसर दिया। हम देख लेते हैं एक बार इसको डिस्कस करके। तो 1955 में अपना कान्हा नेशनल पार्क एस्टेब्लिश होता है, और कहाँ पे है ये मंडला में, और बानमोर कहाँ है ये मुरैना में। तो आज का प्रश्न ये है कि कान्हा नेशनल पार्क का शुभंकर क्या है, यानी व्हाट इज द मैस्कट ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
और इसका आंसर हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो कंप्लीट होता है आज का ये लेक्चर, और ये लेक्चर का लास्ट हम देखेंगे 46 से 60 अगले लेसन नंबर 28 में। तो समय आ चुका है आपसे विदाई लेने का। इस वीडियो को लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अपनी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।